हम आपके सामने जहन्नम के अजाब की हौलनाकी कि ये अजाब कितना ख़तरनाक होगा और कितना तकलीफ़ देह और दर्दनाक होगा कितना दहशतनाक होगा इसकी एक झलक हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे नादिन कराम इसके ताल्लुक से मैं इमाम मुस्लिम रही की एक रिवायत करदा हदीस आपके सामने पेश करूं आप अंदाज़ा लगाएं कि जहन्नम की तकलीफ़ कितनी ज़्यादा है उसका अजाब कितना भयानक है कि उसके सामने कोई दुनिया की नेमत और ऐशो इशरत इंसान भूल जाएगा चुनान चल्ला के नबीत वसलामी सात फनमाते हैं कि कियामत के दिन एक ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक ताल के पास लाया जाएगा कि जो बहुत ही खुशहाल था दुनिया में बहुत ही मालदार था हर क़स्म की नमतें उसको हासिल थी मगर ये अल्लाह की तोहद से दूर था अल्लाह की फर्माबदारी से दूर था उसको लाया जाएगा अल्लाह ताला से पूछेगा कि मेरे बंदे बता तुझे दुनिया में कभी कोई तकलीफ पहुंची वो कहेगा अल्लाह मुझे दुनिया में कोई तकलीफ नहीं पहुंची अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेगा इसको लेके जाओ और जहन्नम की एक झलक दिखा कर के लाओ जहन्नम में एक डुबकी लगा कर के लाओ उसको जहन्नम की एक झलक दिखा कर लाया जाएगा अल्लाह ताला उस बंदे से पूछेगा अरे मेरे बंदे बता तुझको दुनिया में कभी खुशी नसीब हुई है दुनिया में तूने कभी खुशी देखी है कहेगा अल्लाह मैंने दुनिया में कोई खुशी नहीं देखी है नादरी के नाब गौर कीजिए कि जिंदगी भर खुश रहने वाला और ज़िंदगी भर ऐश इशरत करने वाला शख्स जहन्नम के अजाब की एक झलक देखने के बाद दुनिया के सारे आराम को भूल जाता है कितने हमारे भाई ऐसे हैं कि दुनिया की जिंदगी के लिए आखिरत को भुला देते हैं दुनिया की जिंदगी के लिए जन्नत को भुला देते हैं दुनिया की जिंदगी के लिए जहन्नम को भुला देते हैं ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है इसी तरीके से अल्लाह के नबी सलाम तिरमीज़े की रिवायत में इशात फर्माते हैं कि अगर जहन्नम में मरना होता तो जहन्नम की हौलनाकी से जहन्नमी मर जाते जहन्नम के हौलनाक मंज़र को देख करके और जहन्नम के चिमट जाने वाले और लिपट जाने वाले और कायम के लिए दायम के लिए रह जाने वाले लग जाने वाले अजाब को देख करके जहन्नमी इस टेंशन और गम से मर जाते चुनान चेबू सैद खुदी रज्ला रिवायत तो करते हैं कि अल्लाह के नबी ने सलामिषात फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाया जाएगा और उसको जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा कर दिया जाएगा एक पुकारने वाला पुकारेगा कहेगा जन्ना तो जन्नत वाले मुतवजह होंगे तो कहेगा इसको पहचानते हो तो लोग कहेंगे कि हाँ यह मौत है उसके बाद कहेगा ए जन्नत वालों अब हमेशा हमेशा रहो अब मरना नहीं है उसके बाद जहनम वालों को पुकारेगा और कहेगा एहल जन्ना इसको पहचानते हो वो भी कहेंगे मौत है उसके बाद कहेंगे कि तुम भी अब हमेशा हमेश रहो अब मरना नहीं है चुनानचे उस मौत को जन्नत और जहन्नम के बीच में ज़बह कर दिया जाएगा और उसके बाद ना कोई जन्नती मरेगा ना कोई जहन्नमी मरेगा यानी जन्नती हमेशा हमेश की खुशियों में रहेंगे और जहन्नमी हमेशा हमेश के अजाब और तकलीफ में रहेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इस हौलनाक मंजर को देखकर अगर जहनमियों को मौत आना होता तो टेंशन और गम से जहनमी मर जाते हैं अल्लाह ने तशातरमाया सूरह फ़ुरान में आयत नंबर तेरह और चौदह में वीदा उल्कुमहा मख्यान दई का मुकर्रन दाओहुन का तबूरा वला तउ मसबूरा वाहिदा वदउ वदओसबूरा कसीरा जब इन्हें बाँध करके तंग और तारीख कोठरियों और जगहों में डाल दिया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहाँ पर ये मौत को चिल्लाएंगे मौत को बुलाएंगे उनसे कहा जाएगा एक मौत नहीं हज़ार मौत बुलाओ मौत आने वाली नहीं है जब तुमको समझाया जाता था तो तुम समझते नहीं थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसको बयान किया इसी तरीके से अल्लाह फरमाया ने लरीन का सब उ सै आती जजा व सै आती मिसलिहा व तरह कुमदिल् मिनलि आसिम काम खेता मुजलिमा इक्का सा बन्नारी हमफी हा खालिदून सूर्य सत नंबर सत्ताईस अल्ला फरमते जिन्होंने बुराइयाँ की उनको बुराइयों का अंजाम भुगतना पड़ेगा उनके चेहरों पर स्याही होगी हवाइयाँ उड़ रही होंगी जिल्लत रसवाई छाई हुई होगी और जैसे लगता है कि रात की घटा तोप तारी की उनके चेहरों पर डाल दी गई है यही जहनमी लोग हैं जो हमेशा हमेश जहनम में रहेंगे इसी तरीके से जहन्मियों को देख कर दूर से ही जहनम गई गफ़ से ऊंची और खौफनाक आवाज़ निकालेगी और जहन्नमियों को देख करके चीखेगी चिल्लाएगी कि कब जहन्नमी हमारे अंदर आए और उनको अजाब दें और सज़ाए दें अल्लाह ने फरमाए इदारा आतानबीद समा त गई जो ज़फीरा सुर फ़ुरक़ानतन बबारा में कि जब ये जहन्नम उनको दूर से ही देखेगी तो चीखेगी चिल्लाएगी और जो है क्या नाम है वो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया इदा फरमायादा उल्फिया सम उलहा शही कफ़ूर तकमयम ग्गीज़ अल्लाह ने फरमाया कि जब वो उसमें डाले जाएँगे तो जहन्नम की एक अजीब चीख सुनेंगे वो जहन्नम का गुस्सा सुनेंगे वो और ऐसा लगेगा जैसे गुस्सा से जहन्नम फट जाएगी सोरे मुल्क आयत नंबर सात और आठ बयान फरमाया है इसी तरीके से ये जहन्नम के होलनाक मनाजिर नजर ने कम तो है ही इस पर जो फरिश्ते मतन होंगे मुकर होंगे वो जैसे कि आपको बताया गया निहायत ही मजबूत और ताकतवर होंगे और बिल्कुल रहम नहीं खाएँगे वो सख्त से सख्त सक्स राय देंगे अल्लाह ताली ने फरमायाहलना आ मनु कोफुसा कुमी कुमन नारा व को दुहन नासुलजारा वो लोगो जो ईमान लाए हो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ उस जहन्नम की ईधन लोग और पत्थर है अल्शदाद उस जहन्नम पर नहायत ही सख्त और नहायत ही मजबूत फ़िश्ते मतिन किए गए हैं ला यासून तो नजरिन इस चीज़ से आपके ऊपर ये जाहिर हो गई और वाजह हो गई और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहन्नम का मंज़र बहुत ही हौलनाक है और दहशतनाक है इसी तरीके से जहन्नम की आग के बारे में आपको कुछ बताऊँ और जहन्नम की आग कितनी सख्त होगी और उसमें शिद्दत कितनी होगी और कितना तेज़ है और कितना जो है क्या नाम तकलीफ है तकलीफ़ देह है दुनिया की आग से चुनानचे जहन्नम की आग दुनिया की आग से उनहत्तर ज़्यादा गर्म है नदरी कराम क्या हम में से कोई आदमी जान बूझ करके अपनी उंगली को इस दुनिया की आग में डाल सकता है ज़रा सा आग की लपट भी मिल जाती है तो आदमी तड़प जाता है नदरी निन कराम मगर जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से उनहत्तर सिक्सटी नाइन दर्जा ज़्यादा तेज़ है और सख्त है कैसे इंसान उसको झेलेगा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा आसलाम अबरदी अल्लाकी रिवायत कर दिन फरमाते हैं इमाम मुसलम ने इस सदीस को नकल फरमाया है कि ना रकुम हारी ही अल्लती अल्लातीद इबन आदम जुज़ उमिन सबीन जज़ाम हर जहन्नम लोगो ये जो तुम्हारी आग है जिसको तुम जलाते हो आदम जिसको जलाता है उस पर खाना पकाता है दूसरे काम लेता है ये जहन्नम के आग के सत्तर हिस्सों में से एक हिस्सा है लोगों ने कहा वल्ला ही इनकान ल काफ़िया या रसूल्ला तो लोगों ने कहा साहबन ने कहा अल्लाह के रसूल वसल्लम यही आग जलाने के लिए काफ़ी थी यही आग अजाब देने के लिए काफ़ी थी अल्लाह के नबी आ सलाम ने कहा बिल्कुल लेकिन उसके बावजूद उनहत्तर हिस्सा उसको ज़्यादा सख्त रखा गया है और गर्म रखा गया और तकलीफ़ दे रखा गया है अल्लाह के नबी आई सलाम ने बयान फरमाया इसी तरीके से जहन्नम के आग के शोले की चिंगारी बहुत बड़े किला के बराबर होगी बहुत ऊँचे ऊँचे किला लोग दुनिया में बनाते हैं एक चिंगारी जहन्नम के आग की ऊंचे ऊंचे किला और महल के बराबर होगी अल्लाह तबारक सूरह मुस्लात की आयत नंबर तीस और तैतीस में इरशाद फरमाया है इन तलिकु इला दी ला जमा लतसुफ़र अल्लाह ने फरमाया कहा जाएगा उनसे जाओ उस शाये की तरफ जो तीन शाखों वाला है जो न उसमें शाया होगा ना तुमको शर से इन्हें लहब से लपट से आग की चिंगारी से तुमको महफूज करेगा और ये आग ऐसी ऐसी चिंगारी फेंकेगी कि जैसे महल है जैसे वो जर्द ऊँट की तरह से जो है क्या नाम है बड़े बड़े ऊँची ऊँची चिंगारियाँ फेंकेगी अल्लाह ताला ने इस आयत में तो जहन्नम की चिंगारियों के जो है दहशत गो बयान किया है जहन्नम का दरोगा जहन्नम की आग को मुसलसल भड़का रहा है और कल्लमा ख़बर जिद ना हम सीरा अल्लाह ने फरमाया जैसे थोड़ी हल्की होती है उसको हम और ज़्यादा बढ़ा देंगे और तेज़ कर देंगे सूरह इसराइल आयत नंबर सत्तानबे में ये आग मुसलसल भड़काने की वजह से शदीद से शदी तर होती गई अब न कभी सर्द होगी ना कभी ये हल्की होगी अल्लाह ने फरमाया फर तो नारन तलदा मैंने तुमको भड़कती हुई आग से डराया है सूर् लैल आयत नंबर चौदह में इसी सूर्य गासी आयत नंबर चार में तस्ला नारन हामिया कि ये लोग गरम आग में दाखिल होने वाले हैं इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया वह मन खपत माजीन हो सुर कारिया में फोम हाविया व का माहिया जिनके नेकियों का पड़ा हल्का हो जाएगा बुराइयां ज़्यादा की हैं तोहद नहीं है शिरक है और ख़ुराफात हैं अल्लाह ने फरमाया उनका पल हल्का हो जाएगा तो अल्लाह ने फरमाया कि उनके लिए जो हाविया है और हाविया क्या मालूम क्या है हाविया गर्म आग है अल्लाह रबाल फरमाते हैं इसी तरीके से ये आग जिसम के गोश्त और पोस्त को हड्डियों से अलग कर देगी इतनी ख़तरनाक आग होगी कि इंसान की चमड़ियाँ और इंसान के गोश्त ये सब कट करके जल करके अलग हो जाएंगे हड्डी अलग चमड़े अलग गोश्त अलग और सब ख़त्म हो जाएंगे दोबारा पैदा किया जाएगा उनको अज़ाब देने के लिए अल्लाह ताला ने इसको कई जगहों पर बयान फ़रमाया तल फ हो जूहुमन्नार उम फ़ी हक इसी तरह अल्लाह ने फरमाया सूरह मोमिनून की आयत है कि उनके चेहरों को आग झुलसा देगी उनके चेहरों को आग जला देगी और ये एकदम बिल्कुल स्याह हो जाएंगे जल जल करके कल्ला ला लिशवा ये भड़कती हुई आग है जो चमड़ियों को धेड़ करके खाल को धेड़ कर रख देगी सूर्य मारिज आयत में पंद्रह और सोलह में तो ये आग का अजाब है और ये आग की सख्ती है अल्लाह तबारक ताली इस तरह से जहन्नम में आग से जलाएगा ये आग जहन्नमियों को ना जिंदा रहने देगी और ना मरने देगी यानी ये आग का अजाब इतना सख्त होगा कि जहन्नम में जहन्नमी ना तो जिंदा रहने के बराबर होंगे और ना मरेंगे ना जिंदा रहेंगे कि वो चिल्ला रहे हैं चीख रहे हैं अजाब और ये तकलीफ और सज़ाएँ और उनकी ज़िंदगी भी नहीं है मर भी नहीं रहे और ज़िंदा भी नहीं रह रहे तो ये जो है ना जिंदा रहने देगी ना मरने देगी अल्लाह ने फरमाया व मदरा का मा सकर ला तबकी वला तदर लवाहत लबर अल्लाह ने फरमाया कि ये आग सकर क्या है मालूम है तुमको ये सकर वो है ना बाकी रखेगी ना छोड़ेगी ये झमड़ियों को ढेर देगी और जो है खाल को ढेर देगी झुलसा देगी अल्लाह ने सूरह आला में फरमाया है तुम मलामोफी वला कि उसमें बुरे लोग जाएंगे ना उसमें जिंदा रहेंगे ना मरेंगे एक आदमी जो तकलीफ में होता है ना उसकी ज़िंदगी है और ना वो मरता है वो जिंदा भी है मुर्दा लाश की तरह से तो ये जहन्नम में जलेंगे और अजाब में रहेंगे सजाओं में रहेंगे तो ये तरीके से उनकी हालत होगी नाजिन कराम नारे जहन्नम जहन्नम की आग को बर्दाश्त करना इंसान के बस की बात नहीं किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है आप सोचे दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता है जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा और व शख्स जहन्नम में कैसे रहेगा जो जहन्नम में डाल दिया जाएगा जाबिर रजियाल्ला तो रिवायत करते हैं कि

और मैं उसके डर से उसके शोले उसकी चिंगारी उसकी लिपट न लग जाए मैं पीछे हटा जो तुमने देखा है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है इस आग को नारे जहन्नम का तस्वूर भी रखने वाला शख्स कभी आराम की नींद नहीं सो सकता है इस आग को जो जानेगा इस आग की जो तफसीत जानेगा क्या वो नमाजें छोड़ेगा क्या वो तोहेद से दूर होगा क्या वो अल्लाह तला की इतार से रोज़गारदानी करेगा कभी उसको नींद नहीं आएगी जो इस आग को जानता है अब रजी अल्लाह तुम तो रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी आसलामरिशात माय तिजी की रिवायत है मार आई तो मिसल नारी ना मा बुहा ओला मिसल जन्नति ना मालिबूा मैंने जहन्नम जैसे कोई आग नहीं देखा कि उससे भागने वाला सो रहा है जहन्नम से भागना है तो आपको जागना पड़ेगा आपको बेदार रहना पड़ेगा आपको नशीत और चुस्त रहना पड़ेगा अल्लाह की बाद मेहनत करनी पड़ेगी आप नमाजों से सो करके अल्लाह तबा के अताज़ से सो करके आप जहन्नम से नहीं भाग सकते हो जन्नत को चाहना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी नमाजें पढ़नी पड़ेंगी को इख्तियार करना पड़ेगा तोहैद पर जमना पड़ेगा इसी तरीके से अल्लाह के नबी आलासात माया अबूदर रजी अल्लाह फरमाते हैं इन्नी इन आराम तरा वसमाउ माला तस्माऊन ऐ लोगो मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो तुम नहीं देखते हो नबी वम को जहन्नम के मनाजिर दिखाए गए जन्नत के मनाजिर दिखाए गए कहा वो चीज़ें देखता जो तुम नहीं देखते हो वो चीज़ें सुनता हो जो तुम नहीं सुनते हो और मैं बता देता हूँ कि अल्लाह के नबी आ सलाम मैया कि अगर तुम जान जाओ जो मैं जानता हूँ तो तुम हंसोगे कम और रोगे ज़्यादा तुम हंसोगे कम और रोगे ज़्यादा तुमको हंसी नहीं आएगी जो जहन्नम के मनाजिर नबी सलाम ने देखे थे वो मंजर अगर हम देख लें तो हमको हंसी नहीं आएगी इंसान रोता रहेगा और अल्लाह के नबी नबीलात ने फरमाया तुम औरतों से बिस्तरों पर लज्जत लेना भी छोड़ दोगे और गलियों और कुछों में घूमकर अल्लाह तबारक तआला से जहन्नम से पनाह मांगते फिरोगे ये माजा की रिवायत है यानी एक इंसान जिसके अंदर आग का खौफ पैदा हो जाए और जहन्नम का खौफ पैदा हो जाए वो इंसान कभी सुकून से नहीं सो सकता है आज हमको कैसे नींद आती है नमाजें छोड़ करके आज हमको कैसे नींद आती है अल्लाह तबारक के अहकाम की खिलाफ वर्जी करके आज हमको क्या कैसे नहीं जाती है शिर करके आज हमें कैसे नहीं जाती है बिदाते करके आज तोहद से दूरी सुन्नत से दूरी और अल्लाह के ताज़ से दूरी अल्लाह के महरमत के सारी चीज़ें नजरिन कराम ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं इसी तरीके से जहन्नम का जो सबसे हल्का अजाब है उसको आप गौर कीजिए और सोचिए कि कितना सख्त अजब होगा जहनम में अब वो सैद खुद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबीत वाम फरमाते हैं जहन्नम में सबसे हल्का आजाब जो होगा वो उस शख़्स को होगा जिसको दो जूते आग के पहनाए जाएंगे जिससे उसका दिमाग खोलेगा उस आग की गर्मी की वजह से उसका दिमाग खोलेगा जैसे मुस्लिम कहदियत से और बाद रिवायतों में है अल्लाह के नबीत व फरमाते हैं कि जहन्नम में सबसे हल्का अजाब वाले अबू तालिब है जैसे कि इससे पहले बात गुजरीन नादिन कराम कि तालिब ने जो कुरबानियाँ दी हैं अबू तालिब ने नबी वम के लिए जो मेहनतें की हैं इसकी बुनियाद पर अल्लाह ताली ने उन्हें जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया है जहनम से निकल नहीं सकते अबू तालिब, क्योंकि अबू ने ईमान कबूल नहीं किया था तौहीद कबूल नहीं किया था जहन्नम में उनको रहना है जहन्नम के अजाब में ही रहना है लेकिन जो दीन के लिए उन्होंने कुर्बानी दी अल्लाह तबारक तआला ने उनके अजाब को हल्का कर दिया चुनान अल्लाह के नबीम फ़रमाते हैं अहन नारन अबू तालबिन वह मुंतबिन यु मद गहू सबसे हल्का अजाब वाले जहन्नम में अबू तालिब होंगे वो जिनको दो आग के जूते पहनाए जाएंगे जिससे उनका दिमाग खोलेगा इसी तरीके से अल्लाह के नबी नबीमाम से रिवायत करते हैं नुमान रसीद अल्लाह तआला नुमानशीद इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की रिवायत करदा हदीस है क़यामत के दिन सबसे हल्का अजाब उस शख्स को होगा कि जिसके कदम के नीचे और कदम के तलवे में जो है इस आग का शोला रख दिया जाएगा आग रख दिया जाएगा उसके जूते में और उससे उसका दिमाग खोलेगा तो नाजरीन कराम इस आग की शिद्दत हमने सुनी और इस आग के बारे में ये भी हमने जाना कितनी शदीद है और कितना सख्त होगा इसका जलाना और ये हमने जाना कि इसको इंसान अगर हकीक़त में तस्वूर कर ले और हकीकत में जान ले एक आदमी को तस्वूर करना चाहिए आप सोचें आज आपको कोई आग जल रही है और कोई आदमी आपको आग में ढकेल दे और आग में डाल दे आप क्या हाल होगा जहनम में डाला जाएगा उस मंज़र को तस्वूर करना चाहिए और सोचना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए है। इस है इसी तरीके से नाजरीन ग्राम इस नशस्त में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जहन्नम का जो ये अजाब है ये कभी हल्का भी नहीं होगा कभी कम भी नहीं होगा कभी ये ना सोचे कोई आदमी कि जहन्नम का अजाब रहेगा जलते 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 वो आग हल्की हो जाएगी वो अजाब हल्का हो जाएगा पचासों साल सैकड़ों साल हज़ारों साल के बाद हल्का अजाब हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ा अजाब ख़त्म हो जाएगा आग बुझ जाएगी नौजमिल्ला नजर क़िला में कभी आग हल्का नहीं होगा अल्लाह तरमाया सूरह फातिर आयत नंबर छत्तीस अल्लाह ने फरमाया कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का आग है उनको मौत भी नहीं आएगी और उनके अजाब को हल्का भी नहीं किया जाएगा ऐसे हम हर काफिर को बदला देंगे तो अल्लाह ने आज साफ तौर से कह दिया है कि उनको मौत भी नहीं आएगी एक आदमी आग में जलता है जलते जलते मर जाता है एक आदमी किसी तकलीफ में रहता है तकलीफ में रहकर मर जाता है जहन्नम में अजाब और सजाएं और जो आपके सामने जिक्र जाएंगे बिच्छू का काटना सांप का डसना और काटना ये सब होगा लेकिन आदमी मरेगा नहीं तड़पेगा चीखेगा चिल्लाएगा तो अल्लाह ने कहा हल्का भी नहीं होगा अजाब और उनको मौत भी नहीं आएगी अल्लाह ने फरमायादी खुलू नब न सिर्फ जहन्नम इन अज़ाब हकान गरामा। मोमिनों को एक दुआ सिखाई अल्लाह ताला ने कि ये जो लोग ईमान लाते हैं वो दुआ करते अल्लाह के बंदे कि अल्लाह तो हमसे जहन्नम के अजाब को हटा दे बेशक उसका आज़ाब चिमट जाने वाला है फुरकान आयत नंबर पैंसठ इसी तरीके से फ़रूबी आयाती आयत में कि अल्लाह कि जिन लोगों ने कुफ़्र किया हमारी आयतों के साथ उनको जहन्म में डालेंगे जब उनके चमड़े जल जाएंगे हम दूसरा चमड़ा जो है पैदा कर देंगे और ताकि वो अजाब चखते रहें और इस तरीके से उनको जो है अजाब बराबर होता रहेगा तो नजरे ने किराम का हल्का नहीं होगा अल्लाह ने बारेम बार की दो आंखें होंगी और जहनम के दो कान होंगे और जहन्नम बोलने वाली जबान भी रखेगी बोलेगी भी और जहनम सुनेगी भी और जहनम की गर्दन भी होगी हो यह अल्लाह के नबीलाम ने हदीस में इशातमाया है अबू रजाल्ल्ला फरमाते हैं कि नबी नबीमान ने फरमाया क़यामत के दिन जहन्नम की गर्दन निकलेगी निकलेगीना तुबसरान उस गर्दन में दो आँखें होंगी जिससे देखेगी वनान तस्मान और दो कान होंगे जिससे सुनेंगी वो लेसानत और ऐसी जबान होगी जिस जबान से बोलेगी यकूल इन्नी उकिल तुबलासा जहन्नम बोलेगी ये दोजख बोलेगा ये जो है नार बोलेगी जहां बोलेगी कि मैं तीन लोगों के लिए फिक्स कर दी गई हूँ तीन लोगों पर मुझे मुतयन कर दिया गया है जब्बारिन अनीत शरकश और तागी और जो है क्या नाम मतकबर शख्स पर जो मतकब्र शख्स है हक़ हाँ को नहीं मानता हक़ हाँ पर नहीं अमल करता है बताया जाता है तोहद को बताया जाता है सुन्नत को बताया जाता है नमाज को मगर नहीं मानता है नहीं कबूल करता है ऐसे मतकब्बिर शर्कश लोगों के लिए जहन मुतिन कर दी गई है वह बेकुल्लिमंदा आखर और हर उस शख़्स के लिए जो अल्लाह के साथ किसी और महुद को बुलाए किसी और से दुआ करे किसी और को अल्लाह के इबादत में शर्क करे शिर करने वाले को ये लाजिम है इंसान के अंदर शिरक है तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला जहन्नम में झोंक देगा उबिल मसवीरन और उन लोगों को जो है क्या है जानदार चीज़ों की तस्वीरें बनाते रहते हैं शेख अरबानी रिमोल्ला ने सिया में पाँच सौ बारह नंबर पर जिक्र किया है इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया मिन मकानिन फ़रयातान बी सूरह सुर आयत नंबर बारा में अल्लाह ने फरमाया कि जब ये जहन्नम इनको दूर से ही देख लेगी तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी जहन्नम जब काफिरों को देखेगी तो चीखना ना शुरू कर देगी और उसके चीख को उसके चिल्लाने को जहनमी सुनेंगे और आपने इससे पहले जो है क्या नाम हदीस में सुनी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जैसे लगता है गु़स्से से फट जाएगी जैसे वो गुस्से से जहनमियों को जलाने के लिए बिल्कुल बेकरार है चीख रहे होगी कैसे एक शेर किसी पर हमला करता है जानवर किसी पर हमला करता है जो है दहाड़ करके हमला करता है ऐसे जहन्नम दहाड़ रहे होगी चीख रहे होगी चिल्ला रही होगी और जो है क्या नाम है उस तरीके से उस पर हमला करेगी और गुस्से से फट जाएगी इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फिर सूरह काफ़ आयत नंबर तीस में यौमन जहन्नम हलिम तलाती व तक़ुल हलम मजीद जिस दिन हम जहन्नम से कहेंगे कि क्या तू भर गई तो जहन्नम कहेगी क्या और है यानी ये सारी आयतों में नाजरीनी के आप देख रहे हैं कि जहन्नम बोल रही है अल्लाह ने खिले में फर्माया कि गर्दन निकालेगी जबान निकालेगी बोलेगी इसी तीन आयतों में तो जहन्नम बोलती है तो नाजरीन दिन कराम ये हमारी तीसरी नशस्त हो गई जिसमें हमने जहन्नम के तल्ल से कुछ बातें बयान फरमाई मजीद बातें इन में अल्लाह ताल से दुआ है कि अल्लाह ताली हमको और सारे मुसलमानों को जहन्नम से बनने की तोफ़ी अदा फ़रमाए हदमांदी अल्लाह तमाम अलहदिल्लि रब आलमिन महमद वसलम तस्मन का तीरा